अच्छा रह गया कि सिखाया और चले गए। आप तो संगीत सीखने के लिए कुछ गरीब लोगों के लिए निःशुल्क बता रहे हैं भाई, और बाकी हम पूरा प्रयास करेंगे कि अच्छी से अच्छी शिक्षा लेके कहाँ से कहाँ लड़कियाँ देखिए इंडियन आइडल वगैरह सब बाहर जा रही हैं, गा रही हैं, अपना इतना अच्छा है। आपको पूरा समय मिलेगा, पूरी शिक्षा मिलेगी, MA तक के छात्रों के लिए प्रबंध होगा। हरी रात के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, एक झड़ी बलिया नारी शक्ति। इसी तरह आप भगवान के चरणों में आप करेंगे, नारी है तो घर का स्वर्ग है, समझ लीजिए घर की लक्ष्मी होती है, महिला है घर की लक्ष्मी, यही सबके कष्टों को भरती है, बच्चों से लेके बड़ों के अपने पति के सबके कष्ट महिला ही भरती है। तो ये सब यहाँ से भावनाएं आप लेके जा रही हैं, भगवान के लीन होके अपने घरों में यही विचार अपने संस्कार बच्चों को देंगी, अपने घर में अच्छे वातावरण बनाएंगी, तो यही एक अच्छा मंदिर है घर। तो मैं अपनी महिलाओं को भी चाहूंगी कि और ज्यादा से ज्यादा जब तक भागवत हो यह पूरा पंडाल भर के रख देना आप लोग, और इसी तरह के समाज में जाके ये अच्छा मैसेज जाएगा कि आज भागवत में कुछ है। और सुनिए सब लोग बहुत मन से, मंदिरों में आपको टाइम नहीं है, आज आप यहाँ पास में मोहल्ले मंदिर है तो आप लोग यहाँ सुनने के, हम लोगों को तो मिलता नहीं है, हमें तो एकदम जब इन्होंने कहा है मैंने कहा मैं जरूर आऊँगी, मुझे तो समय अगर है तो रोज बैठ जाऊँ आके, इतना अच्छा लगता है। तो मैं बहुत अच्छा आपका सुझाव, आपका धन्यवाद सारे पदाधिकारियों को, आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है, समझती हूँ भाग्यशाली कि आज आप लोगों ने यहाँ बुलाया मुझे और आने का मौका मिला। जय हिंद जय भारत। और चाहूँगी कि एक छोटा सा भजन मीरा का मैं थोड़ा सा भागवत मिश्रा, अगर आप मंत्री रही और आज यहाँ पर समाज में आई हूँ, आपने
केशव पंडित जी ने यहाँ पर इतना अच्छा भागवत का आयोजन कर रहे हैं, समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं कि भागवत तो ऐसी चीज है पूरा जीवन सफल हो जाए। सब चौरानियों की देखिए सुख दुख है यहाँ पर, ऐसा कल्याण कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं तो सबका कल्याण ही होगा। पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं, प्रसार कराते हैं और मुझे भी सौभाग्य है कि मेरा यहाँ पर आने का मौका मिलता है। पदाधिकारियों का, पंडित जी का, सबका ये सौभाग्य है कि मुझे बुलाया है यहाँ पर, हमें मुझे आने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा है। ऐसे भागवत के कार्यक्रम समाज में होते रहें और इसी तरह की समाज का कल्याण है। आज जो एक समाज जो टिका हुआ है ऐसे ही लोगों के माध्यम से टिका है, लोगों का कल्याण हो और जगह जगह के सारे भागवत के कार्यक्रम हों और इस तरह से सब कामों में कम से कम ईश्वर के एक शब्द पड़े।